चलिए आज का टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नाम है चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या तो सबसे पहला काम क्या है एलेवेंथ के छात्र की सबसे पहले टॉपिक का नाम याद रखेंगे चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या हिंदी में ही नहीं याद रखना है बल्कि इंग्लिश में भी रखना है मैग्नेटिक और क्या लिखा हुआ है क्वांटम नंबर ऐसा करके याद रखेंगे क्या क्या लिखेंगे चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या लेकिन यह टॉपिक किसके अंतर्गत एनसीआरटी लिखा है कक्षक है? शिक्स पौराद शिक्स पौराद वान वान और क्वांटम संख्या के अंतर्गत टू पॉइंट सिक्स पॉइंट वन के अंतर्गत लिखेंगे टू पॉइंट सिक्स पॉइंट वन और इसके अंतर्गत आप लिखें टॉपिक का नाम चुंबकीय चुंबकीय कक्षक चुंबकीय कक्षक क्वांटम क्वांटम संख्या चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या अंग्रेजी में भी लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में आपको बताना है टॉपिक को हिंदी में भी मैग्नेटिक और वाइटल मैग्नेटिक और वाइटल क्वांटम क्यू t टी m) क्वांटम नंबर तो ये टॉपिक आज डिस्कस होगा तो पहले तो नाम याद रखना है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में नाम याद करेंगे और इसमें एनसीईआरटी क्या लिखा है तो पहला कहता है कि हमें चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या क्या सब समझाती है तो पहला पॉइंट कहता है कि एम एल समन्वय कक्ष अक्ष के संगत कक्षकों के त्रिबीम अभिविन्यास के बारे में जानकारी देता है त्रिबीम तो पिछले भी क्लास में भी पढ़े थे और इसमें भी लेकिन इसमें अभिविन्यास के बारे में जानकारी देता है अभिविन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में जानकारी देता है कौन देता है एम समन्वय, एल समन्वय अक्ष के अक्ष के संगत संगत कक्षकों के त्रिबीम अभिविन्यास के बारे में अभी विन्यास के बारे में जानकारी देता है जानकारी देता है पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट क्या लिखा है एनसीआरटी कि किसी उपकोष के लिए एमएल के टू एल प्लस वन मान संभव है देखिए इसमें भी एक फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को हम लोग डिस्कस करेंगे किसी उपकोष किसी उपकोष के लिए के लिए एम एल 2l टू एल प्लस वन मान संभव है मान संभव है दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट कहता है कि हम कैसे लिखेंगे तो एम एल इजकल टू माइनस एल पहले लिखेंगे कॉमा लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे माइनस एल माइनस वन फिर लिखेंगे कॉमा माइनस एल माइनस टू उसके बाद डॉट डॉट लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे जीरो फिर कॉमा वन फिर डॉट 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 एल माइनस टू और एल माइनस वन और फिर एल ऐसा लिखेंगे तो इसको लिखने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा ओरिजिनली कि लिखा क्या लेकिन अगला जब लाइन लिखेंगे तब आपको समझ में आने लगेगा कि माइनस एल से एल तक लिखने का क्या मतलब है माइनस एल से लेकर कहां तक लिखा गया माइनस एल से एल तक लिखा गया क्या छोटी समझ में तो अभी नहीं आया होगा कि आ गया तो तुम एबसेंट करती है तो क्या पढ़ती है किताब में हमको लगता है रूम पर तुम पढ़ती रहती होगी पढ़ते रहती होगी कि, कि केमिस्ट्री छोड़ के सब विषय पढ़ लेती है सोचते रहती है रूम में कि जाए क्लास की नहीं जाए पढ़े कि नहीं पढ़े खाए कि नहीं खाए नहाए कि नहीं नहाए ऐसा तो काम में नहीं तुम लगी रहती हो। चलो तो इससे आपको समझ में नहीं आएगा पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं इसको तो लेकिन जैसे ही एग्जाम्पुल लिखेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा एनसीआरटी भी बहुत अलग तरीके से लिखता है उदाहरण बाद में एल मान अगर आपके पास जीरो हो अभी तुरंत पढ़ाए हैं एल मान जीरो कब होता है तो के लिए एम एल मान क्या होना चाहिए के लिए एम एल मान का एक ही स्वीकृत मान है एक ही स्वीकृत मान जीरो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि एल का मान एल का मान अगर जीरो हो, L का मान क्या हो जीरो हो तो एम एल मान क्या होगा तो इस जीरो होगा चलिए अच्छी बात है जीरो दीजिए अगला कहता है कि क्यों क्योंकि इसमें लिख देते हैं चौथा पॉइंट नहीं इसी में जोड़ देते हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो अर्थात इसी में जोड़ देते हैं अर्थात इसका कैसे हुआ अर्थात हुआ कि टू आ इन टू जीरो प्लस वन कितना मान होगा सो बताइए बराबर वन वन हो गया एक एस कक्षक होता है का मान चौथा पॉइंट एल का मान अगर वन हो एल का मान क्या हो वन हो के लिए क्या होगा एम एल का मान ML का मान होगा माइनस वन कौमा जीरो और फिर प्लस वन कैसे होगा तो बताता है टू आ इंटू वन प्लस वन बराबर होगा थ्री पी पांचवा एक पॉइंट और है एल मान अगर आपके पास दो हो तब क्या लिखेंगे एम तो एल का मान होगा माइनस दो कॉमा माइनस वन कॉमा जीरो कॉमा प्लस वन कॉमा और प्लस टू इसमें कितने होंगे तो पांच डी कक्षक होंगे पांच डी कक्षक अंग्रेजी में हम और वाइटल बोलते हैं हो सकता है अब इसको ये तो हाँ एन सी लिखा है लेकिन आपको समझ में क्या होना चाहिए आना चाहिए साथ ही साथ नेक्स्ट डे जब हम पूछें आपसे तो आपको बताना भी होगा कि हम पिछले क्लास में क्या पढ़े थे डेढ़ घंटा हम पढ़ाएंगे और वह दस मिनट में रिवीजन होगा अगले दिन समझ गए दस मिनट में आपका पिछला क्या हो जाएगा रिभा रिभा हो जाएगा लिख लिया छोटी लिख ली नीचे तक कौन चीज गड़बड़ा रहा पांच, पांच के बाद ए बी सी सी के बाद कौन होता है डी वो डी है और कहीं पढ़ने में कोई दिक्कत हो रहा है में हम गलत लिख रहे हैं कि लगता है हमको और सुधार करना पड़ेगा ओ, ये लग रहा है ए जैसा न थोड़ा सा इसमें गुण आ गया है ए का तो इसको डी कर डी कर देते हैं स्टाइलिश कुछ ज्यादा हो गया वी कैसा लग रहा है डी तुम लोग जो बनाती है उसी लाइन पर खिंचा जाता है हमारा थोड़ा तिरछा हो जा रहा है बीच में जगह ले रहा वो तो चलिए सबसे पहला काम है हम लोगों का कि टॉपिक का नाम याद करना टॉपिक का नाम हम नेक्स्ट डे पूछेंगे आपको बताना है चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या सबसे पहला काम दूसरा काम आपका रहेगा पहला काम ये और दूसरा काम सबसे इंपॉर्टेंट काम कि अगर आप अंग्रेजी मीडियम में बाद में पार्ट वन में चल जाए पार्ट टू में चल जाए इंजीनियरिंग में चल जाए मेडिकल में चल जाए तो अचानक आपको सब चीज अंग्रेजी में आने लगेगा अचानक क्या होगा इंग्लिश में सब चीज आने लगेगा तो उस समय के लिए आपको इमरजेंसी में वो काम करेगा कौन काम करेगा मैग्नेटिक, मैग्नेटिक और क्वांटम नंबर, क्योंकि वहां पर ये नहीं रहेगा तो आपको जैसे ही देखिएगा तो आपको थोरा बहुत बात समझ में आने लगेगा, कि वो इंटर तक तो बात ठीक था लेकिन पार्ट वन में थोड़ा सा गड़बड़ा गया तो उस समय आपको सपोर्ट करेगा कहता है चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या में यह जो एमएल जो होता है अक्ष के संगत कक्षकों के संगत कक्षकों के अभिविन्यास के बारे में बताता है अब हो सकता है कि अभी आपको अभिविन्यास समझ में नहीं आता हो लेकिन आगे जाकर देखिए डमरू डमरू जैसा बना हुआ है आपके किताब में बना हुआ है अगले एक दो पेज के बाद डमरू डमरू जैसा कुछ दिख रहा है हाँ तो वो डमरू जो है कभी एक्स 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 पर है कभी वाई पर है और कभी जेड पर है तो तीन प्रकार से है उसमें दिख रहा है गोल गोल जैसा किताब में बना हुआ है रेड कलर का किसी के सब में रेडी है ना हाँ सब में रेड ही है और पीछे में बैकग्राउंड येलो दिया है ताकि साफ साफ आपको दिखे डुप्लीकेट किताब में हो सकता है कुछ कलर में डिफरेंस आ जाए हाँ डुप्लीकेट किताब में व्हाइट और ब्लैक रहेगा तो तो त्रिवीमी अभिविन्यास का मतलब हो गया कि आगे जाके हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से हम समझने की उसको क्या करेंगे कोशिश करेंगे तो इसके बारे में जानकारी देगा लेकिन उसके लिए हम अलग अलग कॉन्सेप्ट बताया है कि किस प्रकार से हम एम एल को समझेंगे कहता है किसी उपकोष के लिए उपकोष का अंग्रेजी हम याद करवाएं कौन बताएंगे सब बताइए सब सेल का स्पेलिंग सही है कि गलत है और होता है कुछ लास्ट में एस होगा सब सेल्स क्यों हुआ मतलब एक से ज्यादा होता है तो उसे हम लोग कहेंगे क्या चीज सब सेल्स अब एम एल के लिए एम एल का जो मान होता है वह होता है टू एल प्लस वन अब पहले तो आपको एन निकालना था वन तो एल का मान भी होता था वन और वन में आता था क्या चीज एल का मान 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 का का अगर आता था तो क्या होता था एक होता था जीरो और एक होता था वन एन का मान अगर थ्री होता था तो एल का मान भी तीन मान आता था जिसमें एक आता था जीरो एक आता था वन एक आता था टू तो देखिए ये अगर समझ में आ रहा है तो एम एल वाला भी आपको समझ में आएगा कैसे आएगा सो देखिए कहता है टू एल प्लस वन मतलब एम एल का मान होगा तो सबसे पहले अगर एन का मान दिया हुआ हो तो एल का मान पहले पता करना होगा और तब एम एल का मान पता चलेगा समझ में आ गया कैसे कहता है एम एल का मान जो होना चाहिए वह होगा पहले माइनस एल और अगर होगा जिसमें घट सकता है तो माइनस वन होगा फिर एल माइनस टू होगा और थोड़ा ज्यादा होगा तो एल माइनस थ्री होगा फिर धीरे धीरे वह जीरो के तरफ जाएगा वन होगा एल माइनस टू होगा एल माइनस वन होगा फिर एल होगा निगेटिव से कहां तक जाएगा पॉजिटिव तक मतलब माइनस एल से कहां तक जाएगा प्लस एल तक माइनस एल से कहां तक जाएगा प्लस एल जैसे एग्जाम्पल में देखिए एल का मान अगर जीरो है एल का मान क्या है जीरो तो जीरो के लिए एम एल का मान क्या हो सकता है स्वीकृत मान जीरो हो सकता है और जीरो के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं याद कराए हैं आपको क्या याद कराए हैं एस जीरो के लिए एल का मान में क्या याद कराए हैं एस याद कराए हैं कराए हैं कि नहीं याद कराए <laughs> तो टू इन टू जीरो प्लस वन आएगा तो वन लेकिन वन के लिए यहां पर हम लोग जीरो लिखते हैं अगर एल मान आपके पास वन आया एल मान वन आता है तो एल मान अगर वन आता है तो उसमें एक उपकोष रहेगा तो इसमें देखिए एस आ रहा है क्या आ रहा है एस जीरो के लिए हम लोग किसको मानते हैं एस को अब देखिए कहता है एल के लिए वन तो वन के लिए हम लोग क्या मानते हैं पी देखिए एम एल का मान क्या होगा अगर यहां पर वन है तो वन है तब क्या होगा तो माइनस वन से लेकर कहा माइनस वन से पॉजिटिव की तरफ जाएगा दूसरा जीरो और तीसरा क्या होगा प्लस वन माइनस वन जीरो और तीसरा प्लस वन तो, तो दो अगुना एक आ प्लस वन एम एल का मान क्या होगा एम एल का मान अगर एल का मान वन आपको आता है अगर एल का मान वन आता है तो एम एल का मान होगा तीन एल का मान क्या होगा अगर वन होगा तो एम एल का मान होगा एक दो तीन कैसे होगा तीन तो टू इन टू वन आ प्लस वन लेकिन एल अगर वन रहता है तो उसको हम मानते हैं क्या चीज पी इसीलिए आगे जाके हम यहां लिखेंगे कौन चीज थ्री पी एक और एग्जाम्पल देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा हो सकता है यहां तक कंफ्यूजन होता हो एल बराबर अगर टू होगा एल बराबर टू तो एल बराबर टू के लिए हम लोग पिछला रिविजन किए हैं टू के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं डी का किसका प्रयोग करते हैं टू के लिए डी का रिविजन किए हैं अभी तुरंत क्या है ना तो L बराबर अगर 2 है तो D लेकिन ML का मान कितना होगा तो minus 2 से लेकर कहां तक plus 2 तक minus 2 से लेकर कहां तक plus 2 तक minus 2 पहले लिखेंगे फिर minus 1 लिखेंगे फिर 0 लिखेंगे फिर plus 1 लिखेंगे और फिर plus 2 लिखेंगे तो कितना हो गया एक दो तीन चार और पांच तो इस डी कक्षक हमको दो के कारण हमको डी पता चला दो के कारण हमें क्या पता चला डी लेकिन एम के कारण हमें पता चला फॉर्मूला के हिसाब से टू एल प्लस वन के हिसाब से हमें पता चला कि पांच होगा क्या होगा पांच लेकिन इस पांचों को हम लिखेंगे कैसे पांचों को लिखेंगे माइनस दो संकेत कर देने के लिए माइनस वन जीरो वन और टू जैसे देखिए फिगर से आपको समझाते हैं आगे जाके हम लोग कैसे पढ़ाएंगे अगर एस रहता है तो इसमें हम दो इलेक्ट्रॉन लिखते हैं समझ गए पी रहता अगर इसमें टू एस लिख दे थ्री एस लिख दीजिए थ्री एस में दो इलेक्ट्रॉन कभी पढ़े होंगे थ्री एस टू थ्री पी थ्री पी में देखिए एक दो इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन रहता है इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन रहता है इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन इसको कहता है माइनस वन इसको कहता है जीरो इसको क्या कहता है प्लस वन अभी आपके सामने आया नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए एडवांस में बता देते हूं। में क्या होता है थ्री डी ये हो गया थ्री पी और थ्री डी की अगर बात की जाए तो इसमें पांच गो रहता है कभी न कभी बुक में जरूर देखे होंगे एक दो तीन चार और पांच ये हो गया माइनस टू ये क्या हो जाएगा माइनस वन ये हो गया जीरो ये हो गया प्लस वन और ये हो गया प्लस टू देखिए पांच लग रहा है प्लस टू इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन हम लोग भरते हैं ये इलेक्ट्रॉन है ये जो लिखते हैं हम लोग ये एरो एरो का मतलब क्या हुआ तो? आज इसका जो है सो अथी दे दिया जाओ कहा गया वो जो डर से भाग गया आज बोल देना टू माइनस वन जीरो प्लस वन है और यहां प्लस टू अब ये हो गया थ्री डी ये एरो क्यों लिखते हैं एरो लिखने का मतलब समझ लीजिए कि अगर कोई एटम है अगर कोई एटम है इसमें यह परमाणु है यहां न्यूक्लियस है तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इस प्रकार से घूम रहा है इस प्रकार से घूम रहा है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे या ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से घूम रहा है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे करके ऐसे लिखेंगे आपको समझने के लिए कंसेप्ट है एक इलेक्ट्रॉन इस साइड में लिख रहा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से घूम रहा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं तो इस प्रकार से लिखने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक क्लॉक में घूम रहा है और दूसरा एंटी क्लॉक में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन तो ये टॉपिक आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन अभी हम सिखा रहे हैं आपको क्या चीज एल का मान अगर दो हो तो एम एल के मान कितने होंगे तो पांच होंगे कौन कौन होगा माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन और प्लस टू अगर एल का मान वन हो तो एम एल का मान क्या होगा माइनस वन जीरो और प्लस वन लेकिन वन के लिए हम लोग पी का प्रयोग करते हैं वन के लिए पी का प्रयोग करते हैं तो अच्छा ये बताइए क्यों यहां पर वन ही हुआ अब देखिए क्या होता अगर हम एन मान यहां पर वन रखते हैं अगर हम का मान क्या रखते हैं one, तो एल का मान क्या होता है का मान जीरो आ, जीरो होने के कारण होता है वन एस जीरो होने के कारण क्या होता है वन एस एन का मान अगर हम रखते हैं दो तो एल का मान क्या होता है जीरो और वन होता है ना लेकिन 1 के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं p का 1 के लिए किसका प्रयोग करते हैं p का अगर 1 होगा मान तो ml का मान होगा -1 0 और +1 तो p में तीन कक्षक हो गया p में कितने कक्षक हो गए तीन और d में कितने कक्षक हो गए पांच कैसे हुए तो ml का मान होता है पांच कैसे लिखेंगे तो इस फॉर्मूला के आधार पर हुआ 2 दो, 2 वन तो ये चार प्लस एक कितना हुआ पांच लेकिन इस पांच को कन्विंस स्टूडेंट को करने के लिए एनसीईआरटी लिखा है कि यहां लिखिएगा माइनस यहां लिखिएगा जीरो यहां लिखिएगा प्लस वन और यहां लिखिएगा प्लस टू अब यहां समझने के लिए आप यहां लिख सकते हैं माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन और प्लस टू इस तरह से समझना है लेकिन अभी नेक्स्ट टॉपिक है अगले चैप्टर में भी डिस्कस इसका होगा लेकिन अभी यहां तक समझ में आ गया आ? समझ में आ गया क्या छोटू समझ में आया कि नहीं आया बोल दीजिए कि हम ही देते हैं तो कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं बताइए छोटू अभी उस बोलते हम देख लिए हैं हाँ अभी देख लिए हैं इसीलिए इस तो कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं चुंबकीय क्वांटम चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या ये पढ़ा रहे हैं उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर यही ना अब इसमें बताना है कि पहला पॉइंट इसमें हम क्या लिखे हैं पहला पॉइंट पहला पॉइंट बताइए पहला पॉइंट क्या है क्या है पहला पॉइंट पढ़ो पहला पॉइंट है कि एमएल समन्वय अक्ष के

जानकारी देते किसके बारे में त्रिबीम अभिविन्यास के बारे में जानकारी देता है तो किसी उपकोष के लिए किसी सब सेल के लिए एमएल के मान क्या होते हैं फॉर्मूला कल पूछेंगे तो आप बताएंगे टू एल प्लस वन मान संभव होते हैं जैसे एमएल को हम कैसे लिखेंगे तो लिखेगा पहला माइनस एल दूसरा माइनस माइनस एल कैसे हुआ सो देखिए एन बराबर अगर दो रहेगा तो माइनस एल यहां हो गया माइनस एल माइनस वन हो गया दो में से एक घट गया दो में से दो में से एक घट गया तो कितना बचा एक यहां पर माइनस वन हो गया हो गया ना माइनस वन उसके बाद यहां पर यहां पर क्या होगा वन वन माइनस वन क्या होगा जीरो तो जीरो में तो माइनस और प्लस का कोई वैल्यू क्यों होता है माइनस जीरो या प्लस जीरो ऐसा नहीं होता है तो टॉपिक समझिए माइनस एल माइनस टू डायरेक्ट लिखा गया लिखा गया माइनस एल माइनस वन टू माइनस वन क्या हो गया वन अब इसको हमको माइनस दिखाना है तो यहां माइनस दिखा दिए यहां पर एल माइनस टू तो दो में से दो घट गया क्या हो गया जीरो और जीरो का हम क्या लिख देंगे जीरो उसके बाद जी उसके बाद क्या लिखेंगे प्लस वन प्लस वन कैसे होगा सो देख बताइए टू एल यहां पर जीरो हो गया उसके बाद क्या लिखेंगे यहां वन और उसके बाद क्या लिखेंगे टू यही ना लिखेंगे है लिखेंगे कि यहां पर गलती लिखा हुआ है शो बताइए गलती भी लिखा हुआ है बोलो तो इसमें याद करने का क्या क्या चीज है कल हमको क्या क्या बताना है आपको शो बताइए कल पहले टॉपिक का नाम बताना है हम पूछेंगे कि पहला पॉइंट में क्या लिखे थे पहला पॉइंट में क्या लिखे थे देखिए हम लोग जो हैं मोबाइल को एयरप्लेन मोड में किए हुए हैं तो कोड गया नहीं आ कोड गया नहीं तो जुड़ेगा कैसे तो आप अपना ध्यान रखें कि क्लास में तो हम एयरप्लेन मोड में कभी कभी मोबाइल को कर देते हैं और इसके कारण देखिए सभी लोग सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कोड आएगा तो हम लोग जुड़ेंगे चला गया इसी कारण से तो लग रहा था कि क्या हुआ तो एम एल समन्वय अक्ष के संगत कक्षकों के एमएल जो है कौन सा अक्ष समन्वय अक्ष के संगत कक्षकों संगत कक्षकों के त्रिबीमीय अभिविन्यास के बारे में जानकारी देता है किसके बारे में कैसा कैसा जानकारी देता है तो त्रिबीमीय अभिविन्यास के बारे में जानकारी देता है थोड़ा सा टेढ़ा मेरा था लेकिन अब आपको समझ में आ गया कि दो मान कब होगा एक मान कब होगा और जीरो मान कब होगा इसका वो हम कैसे लिखेंगे और कैसे यह जुड़ेगा तो बताइए पहला पॉइंट आप लोग जुड़ गए हैं सभी लोग सभी लोग शरीफ जहां जहां जुड़े हुए हैं सभी लोग एक साथ बोलेंगे एम के बाद क्या लिखा हुआ है समन्वय अक्ष के समन्वय अक्ष के संगत कक्ष एमएल जो है समन्वय समन्वय का मतलब होता है एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बना लेना समन्वय को क्या बोलता है जैसे भोज में किसी को खाना खिलाना है तो कौन क्या निकालेगा कौन किसको क्या देगा पहले से ही ब्रेन में क्या होता है सेट रहता है कि ये आदमी ये काम करेगा तो ऐसे ही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में पहले से पता रहता है कि कौन कहाँ पर जाएगा तो उसके बारे में कहता है कि समन्वय क्या चीज बोलिए फिर से एम एल समन्वय अक्ष के अक्ष के, के संगत कक्षकों एम एल समन्वय अक्ष के संगत कक्षकों के किसके बारे में बताता है त्रिबीमीय अभिविन्यास के बारे में बताता है फिर से फिर से एक बार बोल देंगे तो ताकि आपको समझ में आ जाएगा हम पूछेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में कि एम एल एम एल जानकारी देता है तो आप बोलेंगे एम एल समन्वय अक्ष के संगत कक्षकों के त्रिवीण अभिविन्यास के बारे में जानकारी देता है फिर से एक बार बोल लें एम एल एम एल समन्वय अक्ष के समन्वय अक्ष के समन्वय संगत कक्ष प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं बोलने का फिर से बोलिए एम एल समन्वय अक्ष के संगत कक्षकों को त्रिविणीय अभिविन्यास के बारे में जानकारी देता है याद हो गया अब एम एल का जब भी समझने की बात होगी तो समझ में आ जाएगा कि क्या लिखना है समन्वय पहला समन्वय कक्ष दूसरा समन्वय अक्ष आ, दूसरा संगत कक्षक और तीसरा त्रिविविणी अभ्यास तीन शब्द याद रखेंगे तो समझ में आ जाएगा पहला पहला समन्वय दूसरा संगत च्छा, च्छा। तीसरा अभिविन्यास अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो अंग्रेजी मीडियम में भी किताब उल्टाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या पढ़े इसी का अंग्रेजी भर्सन रहता है एनसीईआरटी तो समन्वय अक्ष दूसरा संगत कक्षकों और तीसरा त्रिविमीय अभिन्यास के बारे में क्या करता है जानकारी देता है किसी उपकोषों के लिए एम के मान क्या होते हैं टू एल प्लस वन होते हैं यह फॉर्मूला याद याद कर लेंगे किसी अभिविन्यास के लिए किसी e. अभिविन्यास के लिए एम का मान टू एल प्लस वन होता है तो एम बराबर क्या लिखेंगे माइनस एल कॉमा एल प्लस एल माइनस माइनस एल माइनस वन माइनस कॉमा माइनस एल माइनस टू जीरो कॉमा एल माइनस टू कॉमा एल माइनस वन एल माइनस से लेकर कहां तक होगा माइनस एल से प्लस एल तक होगा कहां से होगा माइनस एल से प्लस एल तक होगा तो एन बराबर अगर हो जाए आपके पास क्या चीज वन जीरो तब क्या होगा एस होगा. होगा एन बराबर अगर टू हो जाए तो एल का मान क्या होगा एल का मान वन एन का मान अगर टू हो तो एल का मान क्या होगा वन और वन में एम एल का मान क्या कहा से कहां तक होगा माइनस वन से प्लस वन तो माइनस वन दूसरा जीरो और तीसरा प्लस वन ये कैसे तीन हुआ तो फॉर्मूला दिया हुआ था टू इंटू एल प्लस वन और इसके लिए हम लिखेंगे थ्री पी कक्षक थ्री पी कक्षक अगला पॉइंट है कि एल बराबर अगर टू हो तो टू के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किसका डी का किसका प्रयोग करते हैं डी का।, का और डी के लिए हम एम लि एल को क्या लिखेंगे पढ़िए माइनस दो माइनस वन जीरो, जीरो प्लस, प्लस वन प्लस और प्लस टू इसमें कितने कक्षक होंगे पांच डी कक्षक होंगे अब आपको एम एल बहुत हद तक समझ में आ गया होगा कि नहीं आया समझ में आया कितना पॉइंट हो गया छोटू होगा तो ये तीन पॉइंट याद रखेंगे समन्वय दूसरा संगत कक्षकों और तीसरा त्रिवीमी अभिविनस आगे जाके इसका भी डिस्कशन हम लोग करेंगे छठा पॉइंट लिखेंगे कि कैसे एल का मान आएगा तो एल का मान किसके पीछे चलता है एन के पीछे जब तक एन नहीं आएगा एल नहीं आएगा जब तक एल नहीं आएगा एम एल नहीं आएगा बात समझ गए सबसे पहला किसका है वेल्यू एन का एन लाएगा किसको एल को और एल किसको लाएगा एम एल को समझ गए तो लिखिए अस्मरणीय है कि लिख देते हैं इसलिए कि याद करके रखेंगे अस्मरणीय है कि अस्मरणीय है कि मैंने पिछले क्लास में आप पढ़े हैं इसके लिए लिख दिया है स्मरण है कि नहीं भूल गए अगर भूल गए तो फिर जाइए कहां पीछे स्मरण है कि एम के मान किसके मान ML के मान एल से किससे एल से प्राप्त होगा आप और और एल के मान एल के मान किससे से प्राप्त होते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा एग्जाम्पल में बता भी दिए थे सातवां पॉइंट कहता है किसी परमाणु में प्रत्येक कक्षक किसी परमाणु में प्रत्येक कक्षक किसी परमाणु में एक कक्षक एन कॉमा एल और एम एल मानों के समुच्चय एम एल मानों के समुच्चय समुच्चय है। पढ़े हैं कि नहीं आप लोग हम्म क्या होता है क्या होता है छोटू सेट।, सेट होता है आदमी सेट हो गया उसको कहते हैं सेट, नहीं, ये और होता था। सेट, सेट। ओ सेट मने क्या होता है सब सबसे क्या होता है ओ पढ़े हैं इसको तो क्वेश्चन बनाने में बड़ा मन लगता है ना आसान रहता है कि भारी रहता आसान रहता किसी परमाणु में प्रत्येक कक्षक एन एल और एम एल मानो के समुच्चय द्वारा परिभाषित किया जाता है द्वारा परिभाषित किया जाता है आठवां पॉइंट कल रिवीजन करके आएंगे समझ गए सब कॉपी देख देख के बोलते हैं दो बार रात में आप लोग पढ़ लिया कीजिए और जो छात्र एबसेंट करते हैं वो जरूर वीडियो देख कर आए नहीं तो इसलिए तो किसी परमाणु में एक तो हम बहुत धीरे पढ़ाते हैं और उतना भी आप पा अगर पढ़ आते हैं तब तो खतरा है किसी परमाणु में प्रत्येक कक्षक प्रत्येक कक्षक एन कॉमा एल और एम एल मानो के साथ है। ये तो लिख चुके हैं नाम yes, बहुत दिन से गलती नहीं होता था ना yes, लड़का खुश है कि गलती हुआ कुछ चलो क्वांटम संख्याओं अतः क्वांटम संख्याओं अतः क्वांटम संख्याओं ml आप ml को कुछ बराबर हो तो l का मान होगा वन और ml का मान होगा बराबर जी। द्वारा जीरोल बराबर टू एन एल है एन एल लिखा हुआ एम एल है एन के बाद एल है. है. देखो तो तुम्हारा ओरिजिनल किताब है तुम्हारे किताब में क्या है छोटू देख लो पहले उसी के अनुसार लिख देंगे अच्छा देखो एन वन लिखा हुआ है एल नहीं लिखा होगा तो, न लिखा एन एल है लिखा जाता है। ना, एन एल है।, न है ना। लेकिन ये गलत है। एन एल क्यों लिखेगा एन है एन वान। एम वन है आप में लिखा अच्छा देखिए इसमें हम देखना चाहते हैं कि अगर एम एल मान वन होगा एम एल मान या देखिए एन मान अगर टू हो एन मान क्या हो टू हो तो एन L एल मान क्या हो? L का मान? One होगा एल मान वन होगा नहीं होगा हम्म? Hmm? अगर एम एल मान टू हो अगर एम एल मान टू हो तब क्या, हो? तब क्या होगा एम एल मान टू होगा यही, है सर। यही होगा तो एल मान क्या होगा वन और एम एल मान जीरो द्वारा देखते हैं पहले लिख लेते हैं उसके बाद इसको हम डिस्कस करते हैं दाएगा। दाएगा। कक्षक ऐसा एम एल अभी पढ़ रहे थे ना एन एल नहीं होता एनएल नहीं होता एम एल ही होता है एम एल मान अगर दो हो तो एल मान वन होगा और एम एल मान अगर जीरो हो द्वारा वर्णित ऐसा जो दूसरे कोश के लिखिए पहले हम समझाते हैं उसके अब सभी के किताब में डुप्लीकेट ओरिजिनल के कारण क्या होता है कभी हाँ जो दूसरे कोशिश के पी उपकोष हाँ लिखे। हा लिखिये ना में होता है गलत होगा तो क्या दिक्कत है फिर अगले दिन सुधार होगा इसमें अब किताब अलग अलग, अलग चीज लिखेगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फिर होगा सुधार यहां दी जा रही तालिका जो कंसेप्ट ओरिजिनली है वो आप सीख लेंगे टेंशन नहीं लें एल का मान अगर हमारे पास जीरो आता है वन आता है टू आता है थ्री आता है फोर आता है और फाइव आता है तो उपकोष संकेतन अभी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में उपकोष संकेतन उपकोष संकेतन में लिखेंगे जीरो के लिए आपको हम याद करा चुके हैं एस वन के लिए पी टू के लिए डी तीन के लिए एफ चार के लिए जी और पांच के लिए एच यहां तक पहले से आपको अब कक्षकों की संख्या कक्षकों की संख्या कक्षकों की संख्या के लिए क्या होगा तो जीरो के लिए वन होगा जीरो के लिए वन और पी के लिए क्या होगा माइनस वन से प्लस वन कितना इसमें आएगा माइनस वन से प्लस वन तीन तक होगा डी में क्या होगा सो बताइए माइनस टू से प्लस टू माइनस टू से प्लस टू तो फाइव हो जाएगा माइनस थ्री वाला क्या होगा माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री तो कितना हो गया सेवन माइनस फोर, फोर से लेकर प्लस फोर तो चार आगुना दो आठ हो गया एक एगो जीरो मिला दीजिए तो कितना हो गया नौ और फाइव अगर होगा माइनस फाइव से लेकर कहां तक प्लस फाइव तक तो कितना लिखेंगे पांच माइनस वाला हो माइनस वाला पांच को होगा फिर प्लस वाला पांच को होगा और फिर एक जीरो होगा तो कितना होगा ग्यारह यही एनसीईआरटी आपको इतना देर से सिखाना चाहता था कि आप किस प्रकार से समझ जाएं कि जीरो में वन होगा वन में तीन होगा तीन कैसे होगा वन के लिए तो पी आप याद कर चुके थे पिछले क्लास में कि वन जहां रहेगा उसको हम पी लिखेंगे टू जहां रहेगा उसको डी लिखेंगे तीन जा... एफ लिखेंगे चार जहां रहेगा जी लिखेंगे और पांच जहां रहेगा एच लिखेंगे लेकिन आज आपको आज, आज आपको आपको सीखना था, क्या सीखना था कि एस में कैसे होगा तो के लिए माइनस माइनस से ले कर, से लेकर, लेकर एल प्लस एल तक तो जीरो के लिए यहां वन वन के लिए माइनस वन लिखेंगे फिर प्लस वन प्लस वन लिखेंगे और बीच में हम उसको क्या लिखेंगे जीरो इसलिए ये तीन हो गया टू के लिए माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन और प्लस टू तो पांच हो गया तो पांच लिखेंगे एफ के लिए सात को लिखेंगे एफ के लिए कितना लिखेंगे सात हम लोग जब पढ़ाते हैं आगे तो एफ में टोटल चौदह इलेक्ट्रॉन होता है एफ में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल पढ़ाते हैं हम लोग चौदह फोर एफ फोर्टीन कभी सुने होंगे फोर एफ फोर्टीन और फाइव एफ फोर्टीन इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन में कभी न कभी सुने होंगे आप अगर देखे होंगे तब तो इसमें रहता है एक दो तीन चार पांच छह और इधर कर दीजिए और, और इसमें हम लोग चौदह इलेक्ट्रॉन रखते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं चौदह इलेक्ट्रॉन रखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन जब पढ़ाते हैं तो उसमें लिखते हैं सिक्स एस टू फोर एफ फोर्टीन फाइव डी टेन और सिक्स पी सिक्स ऐसा पढ़ाते हैं ऐसा पढ़ाते हैं तो एस में हम दो इलेक्ट्रॉन रखते हैं एफ में हम फोर्टीन इलेक्ट्रॉन रखते हैं डी में दस इलेक्ट्रॉन रखते हैं और पी में छः इलेक्ट्रॉन रखते हैं लेकिन एक में दो इलेक्ट्रॉन रहता है इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे एक और चौथा क्वांटम नंबर तीन क्वांटम नंबर ये है और चौथा क्वांटम नंबर और आगे पढ़ाया है और आगे बताया है उसके बारे में तो इसमें हमको इंपॉर्टेंट क्या था याद करना और समझना इंपॉर्टेंट क्या था कि अगले क्लास में हम पूछेंगे कि अस्मरणीय क्यों लिखा कि एम एल के मान हमें किससे प्राप्त होगा एल से और एल कैसे आएगा एल बिना एन का तो एल आ नहीं सकता है तो पहले चाहिए हमको एन पहले क्या चाहिए एन उसके बाद आपको पता चल जाएगा एल और एल से पता चल जाएगा एम एल टॉपिक समझ में क्लियर हो गया दूसरा किसी परमाणु में प्रत्येक कक्षक किसके किसके द्वारा पता चलेगा पहला एन के द्वारा दूसरा एल के द्वारा और तीसरा एम एल ML के द्वारा के समुच्चय द्वारा परिभाषित किया जाता अतः क्वांटम संख्याओं एम एल इसको देख लेंगे हम लोग डिस्कस आप लोग पढ़ के आएंगे इसको फिर हम कल डिस्कस करेंगे कि क्या सब आप आपके किताब में क्या लिख दिया यहाँ क्या लिख दिया अब ये समझना है ये जरूरी है यही तालिका आपको इंपोर्टेंट दिखाएगा ये कि जीरो के लिए हम लोग एस का प्रयोग करेंगे और इसमें जो कक्षकों की संख्या होगी हम पूछेंगे कल कि एल बराबर अगर जीरो हो तो उपकेश संकेतन क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे एस नंबर ऑफ और यहां पर सब सेल सब सेल सब सेल्स सिंबल सिंबल ना होगा और कक्षकों की संख्या नंबर ऑफ कक्षक की कक्षक अंग्रेजी बोलिए नंबर ऑफ और बाइटल्स यही ना तो हम पूछेंगे कि एल मान अगर जीरो हो तो बताइए सिंबल या उपकोष संकेतन तो आपको बताना है एस आ कक्षकों की संख्या पूछेंगे तो बोलना है वन एल का मान वन तो उपकोष संकेतन पी और कक्षकों की संख्या तीन कैसे हुई तीन तो आपको बताना है माइनस वन जीरो और प्लस वन कैसे हुआ तीन तो इस तरह से बताना तीसरा हम पूछेंगे बराबर टू तो क्या बोलिएगा उपको संकेतन डी और कक्षकों की संख्या कैसे होगा तो माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन और प्लस टू ऐसा लिखेंगे एल बराबर थ्री तो उपकोष संकेतन एफ और उसमें कक्षकों की संख्या सेवन कैसे होगा माइनस थ्री दूसरा माइनस टू तीसरा माइनस वन चौथा जीरो पांचवा प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री टॉपिक समझ में आ गया तो इस तरह से थ्री और फोर के लिए हो जाएगा नाइन चार गुना दो ऐसे अगर माइनस प्लस आपको दिक्कत हो रहा है तो चार गुना दो प्लस वन, नौ हो जाएगा, अब पांच गुना दो प्लस वन वन क्यों जुड़ रहा है क्योंकि बीच में कौन आ जा रहा है जीरो, जीरो तो जीरो के लिए तो चलिए हम मिटाते जाएंगे आप लोग बोलते जाएंगे बैठ जाइए है कि एम के मान किस से सभी लोग बोलेंगे एम एल के मान एल से और एल का मान एन से प्राप्त होगा किसी परमाणु में किसी भी परमाणु की अगर बात की जाए तो समुच्चय जो होगा किसके किसके मानों के एन का एल का और एल के मानों के समुच्चय के द्वारा हम परिभाषित करेंगे किसके किसके द्वारा परिभाषित करेंगे किसी भी परमाणु के एन के कारण एल के कारण और एम एल के कारण और इसको जो डिस्कस करेंगे हम आप लोग पढ़ के आएंगे अतः क्वांटम जो लिखा हुआ है यह टॉपिक इसको आप लोग अपने अपने किताब में अगर अलग अलग कुछ कुछ लिखा किसी में एन लिख दिया किसी में कुछ लिख दिया है तो इसको आप लोग देखेंगे और इसको उपकोष के बारे में लिखा ये पॉइंट अति इंपॉर्टेंट है है इस तालिका को जीरो के लिए किसका प्रयोग किया है एस का इसमें कक्षकों की संख्या कितनी है वन वन एल का मान अगर है तो पी इसमें कक्षकों की संख्या कक्षकों की संख्या C. तुम बोलो कक्षक की संख्या C. तीन एन बराबर अगर टू हो एन बराबर टू की एल बराबर टू एल बराबर टू तब क्या होगा डी तीसरा फाइव चौथा एल बराबर अगर चार मान हो तब एफ और उसमें कक्षकों की संख्या नाइन और लास्ट में oh, बराबर फोर होगा, होगा? तो क्या होगा वो बोला F, एफ होना क्या चाहिए जी तो उसके बाद एक बचा पांच पांच का एल का मान अगर पांच हो तो एच होगा एलेवन समझ गए तो ये बताइए कि हम आज कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे थे चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या वेरी गुड उसका दूसरा नाम भी था मैग्नेटिक इटल क्वांटम नंबर्स अंग्रेजी में भी याद हो गया पहला उसमें पॉइंट क्या पढ़ाए थे पहला पॉइंट एम एल समन्वय अक्ष के कक्षा। संगत, कक्षा। संगत कक्षों को त्रिवीणीय अभिविन्यास द्वारा जानकारी देता है दूसरा पॉइंट हा किसी कोष के लिए एम एल के मान टू एल प्लस वन मान देता है तीसरा पॉइंट हाँ एम एल के लिए फिर स्वीकृत मान क्या होते हैं फिर से पढ़िए फिर जल्दी जल्दी मत तीसरा पॉइंट फिर से पढ़िए तीसरा ती... हाँ, तीसरा पॉइंट फिर से पढ़ेंगे ए, तीसरा पॉइंट पढ़िए आराध्या सिंह तीसरा पॉइंट पढ़िए जीरो स्वीकृत मान जीरो हाँ लेकिन इसमें बता दिया गया कि एम एल के लिए जीरो के लिए स्वीकृत मान क्या होता है जीरो, जीरो होता है जीरो एम एल के लिए जीरो के लिए क्या होता है वन के लिए क्या होता है इसमें जीरो मान होता है अगला पॉइंट एल बराबर हा एल बराबर अगर वन हो तो एम एल बराबर क्या होगा माइनस माइनस वन जीरो और प्लस वन होगा अगला पॉइंट 2, एल बराबर अगर टू हो तो एम एल बराबर माइनस टू माइनस वन कॉमा जीरो प्लस वन और प्लस टू होता है याद हो गया अगला पॉइंट एन एल बराबर थ्री तब क्या होगा माइनस थ्री माइनस टू उसके बाद माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू और प्लस थ्री मान कितना मान हो गया टोटल सात गो मान हो गया हो गया ना उसके बाद वाला पॉइंट क्या था पहला हो गया उसके बाद दूसरा स्मरण है कि क्या स्मरण है एम एल से एम एल के मान एल से प्राप्त होता है और एल का मान एन से प्राप्त होता है अगला पॉइंट हो गया उसके बाद किसी में एन, एल और मानों के लिए के हाँ हम इस तीनों को परिभाषित करेंगे किसके द्वारा समुच के द्वारा किसका किसको परिभाषित करेंगे पहला एम एल दूसरा या पहला एन दूसरा एल और तीसरा yeah. एम एल और चौथा yeah. नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट तो डिस्कस किए नहीं थे उसके लास्ट वाला पॉइंट अगर yeah. तालिका जो दिया गया है क्या दिया गया है Zero. एल का मान अगर Zero. जीरो हो तो उप उपकोष संकेतन क्या होगा एस होगा।, होगा और नीचे वाला क्या लिखा हुआ है कक्षकों की संख्या कितनी होगी वन दूसरा एल का मान अगर वन हो तो उपकोष संकेतन क्या होगा दी. पी दी. और कक्षकों की संख्या कितनी होगी थ्री तीसरा मान अगर टू हो दो तो, तो उपकोष संकेतन डी और डी के लिए कक्षकों की संख्या फाइव अगला था एल मान थ्री थ्री होगा तो उपकोष संकेतन एफ और उसमें कक्षकों की संख्या सेवन अगला एल मान For. फोर होगा For. तो उपकोष संकेतन उपकोष संकेतन G. जी hmm. और उसमें कक्षकों की संख्या नाइन और लास्ट बचा एक एल मान पांच अगर हो Five. तो उपकोष संकेतन एच yes. और कक्षकों की संख्या एलेवन होगी तो आपको हंड्रेड परसेंट समझ में आ गया कौन सा टॉपिक था चुंबकीय <laughs> क्वांटम संख्या ये टॉपिक आपका था मैग्नेटिक और बाइटल क्वांटम नंबर इस तरह से हंड्रेड परसेंट आप याद रखें और एक बार जरूर रूम पर रिवीजन कर लें ताकि अगले नेक्स्ट क्लास में तीन मिनट में ही टोटल का टोटल क्या हो जाए समझ में हो जाए रिवाइज भी हो जाए और याद करने की क्षमता भी बढ़ जाए so thank you for doing live classes from patna